दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मौर्य जी न्यूज चैनल। जिस प्रकार से कोरोना वायरस का कहर देश में फैला है और बहुत तेज़ी से फैला, देखते देखते बहुत ही कम समय में पूरे विश्व को ग्रसित कर लिया, ऐसे में आज कोरोना की दवा बनाने की होड़ लगी हुई है। बहुत सारे देश बनाने में जुटे हुए हैं और इस बात को लेकर कंपटीशन है कि कौन सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन दवा बनाकर देने वाले हैं। तो इस पर हम आपको बताना चाहेंगे, वो देश है जो कह चुका है कि हम किसी भी कीमत में सबसे पहले कोरोना की दवाई वैक्सीन हम ही बनाकर देंगे, वो देश है अमेरिका। आज उन्होंने कहा वो सुपर पावर देश है जहाँ की आबादी 32 करोड़ है और यह दावा कर चुका है कि सबसे पहले कोरोना की दवा यहाँ पर बनेगी। और जहाँ पर आज अगर मरने वाले की संख्या बात करें तो दोस्तों 65,000 लोग मृत को प्राप्त हो चुके हैं केवल अमेरिका में। और संक्रमण की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा संक्रमण अमेरिका में है। इस समय संक्रमण 11 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं दोस्तों, 11 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों जैसे वो सुपर पावर था उसी हिसाब से पता नहीं क्यों, और सभी टेक्नीशियन सभी तरह से सुपर पावर होते हुए भी वहाँ पे मौतों का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताना, क्या अमेरिका अपने कही हुई बातों को पूरा कर पाएगा कि नहीं, क्या हंसी का पात्र बनेगा। आपको एक जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि ये कोरोना वायरस इस प्रकार से फैलता है, एक स्वस्थ आदमी के अंदर कोरोना वायरस रहता है लेकिन वो जान नहीं पाता है, ना सर्दी होती है, ना जुखाम होता है, ना खांसी होती है, ना बुखार होता है। लेकिन ऐसी एक घटना आपको बताएंगे जो कि पटना की है, आप सुने और स्क्रीन पर देखें दोस्तों, न्यूज आई है कि किस प्रकार से उसके कोरोना वायरस निकलता है और पॉजिटिव आता है। फाइनेंस कॉलोनी में रहने वाले मरीज कटिहार की कृषि विज्ञान केंद्र में ऑपरेटर हैं। यह 21 मार्च की घटना, यह 21 मार्च को पटना आए, सॉरी 21 मार्च को पटना आए और लॉकडाउन की वजह से यहीं रह गए। 4 मई को कटिहार में योगदान देना है। वहां के डीएम ने आदेश निकाला कि कोरोना निगेटिव का प्रमाण पत्र लेके आना होगा, मतलब ज्वाइन करना था, इसलिए सोमवार को घर से पैदल ही IGIMS चले गए। वहां उनका सैंपल लिया गया। रात को उन्हें फोन कर कहा गया कि प्रमाण पत्र यहाँ भर्ती होने पर ही मिलेगा। उन्हें ना सर्दी थी, ना खांसी और ना ही कोरोना के कोई लक्षण, इसलिए वे वहाँ भर्ती होने नहीं गए। इसी बीच गुरुवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। गुरुवार की रात पॉजिटिव आने के बाद उन्हें पाटलिपुत्र होटल से ले जाया गया। उनके पिता लकवाग्रस्त हैं। इसके अलावा 65 साल की मां, 35 साल की पत्नी और 12 और 10 साल के 2 बच्चे रहते हैं। उनके परिजनों को सबसे ज़्यादा परेशानी पिता को लेकर है जो लकवाग्रस्त हैं। दोस्तों उनकी जो रिपोर्ट आई पॉजिटिव आई, वो वहां पर ज्वाइन करने के लिए गए थे, जाना था और कोरोना वायरस का प्रमाण पत्र लेकर जाना था, निगेटिव का प्रमाण पत्र लेकर जाते तब उन्हें वहाँ पर योगदान देने के लिए मिलता, लेकिन पॉजिटिव आया दोस्तों। इस प्रकार की भर खबर भी आ रही हैं, इसलिए दोस्तों जब तक किसी व्यक्ति की जांच नहीं हो जाती है तब तक नहीं पता चलता है कि ये कोरोना वायरस से पॉजिटिव व्यक्ति है या निगेटिव है। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इन सब पर, अपना कमेंट अपनी प्रतिक्रिया दें। और अगर पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले से जो सब्सक्राइब किए हुए जो सब्सक्राइबर भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।